नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुदरत केयर में और मैं हूँ मोनिका। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हनी से हम किस तरह से फेशियल कर सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखेंगे। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो त्वचा तो खिंची खिंची रहती ही है। आप जानते होंगे कि हनी हमारी स्किन को मॉइस्चर ऐसे प्राकृतिक तरीके से मॉइस्चर प्रदान करता है, बहुत लाभकारी होता है, स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे समय से पहले झुर्रियाँ आ रही हैं तो उसके लिए भी बड़े काम की चीज़ है। तो आज इस वीडियो में हम मिनी फेशियल करने वाले हैं। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है, छोटू सा पैकेज है आपके लिए। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए। वैसे तो आप बहुत प्यारे हैं, बड़े क्यूट हैं, बहुत सारे लाइक्स देते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, शेयर भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से कर लीजिए, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने चेहरे को क्लीन करेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये वाला वीडियो जो है ये हनी से हम फेशियल करने वाले हैं। हनी आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पतंजलि का हनी यूज कर रही हूँ। आपके पास जो भी हनी अवेलेबल है वो आप लीजिए, बिंदास लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हनी का हम चेहरे को सबसे पहले क्लीन करने वाले, क्लींजर बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हनी होता है उसको बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपने चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम नाइट क्रीम बना सकते हैं, उसकी स्क्रब में इस्तेमाल कर सकते हैं, फेस पैक में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लींजर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शुद्ध हनी है तो उसका इस्तेमाल आप अपने आईज को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी तरह की कोई सर्जरी करवाई हुई या आपकी आंखों में लेंस डला हुआ है तब आप हनी का इस्तेमाल अपनी आंखों में नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपकी एड़ियां फट गई हैं तब भी हनी बड़े काम की चीज है। आपने थोड़ा सा हनी लेना है, थोड़ा सा देसी घी या सरसों का तेल लीजिए और उसमें मिलाइए थोड़ा सा कैंडल वाला मोम, और उसके बाद आपने उसमें मिलानी है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी। ये हो जाएगा आपके क्रैक हील्स के लिए बहुत अच्छा तरीका। वैसे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कि फटी एड़ियों को आप किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो हम बनाएंगे सबसे पहले चेहरे को क्लीन करने के लिए क्लींजर, और आप परेशान ना हो जाएं कि मैं इतने सारे मेकअप में फेशियल करूंगी कैसे। मैं क्लीन करने वाली हूं, उससे पहले हम क्लींजर बना लेते हैं। और जब भी आप हनी का इस्तेमाल करें, मैं हर वीडियो में बताती हूं दोस्तों, और मैं ना आपको उसके ना वो भी बताने वाली हूं कि इसकी जगह पे आप किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनी मेन इंग्रेडिएंट है। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि अगर हनी नहीं है तो क्या करें, तब आप कोई दूसरा वीडियो देखें, बहुत सारे फेशियल हैं। और ये वाला जो फेशियल हम बनाने वाले हैं, आज करने वाले हैं, ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। त्वचा के हिसाब से मैं चेंजेस बताती जाऊंगी। तो फिर से बोल रही हूँ कि वीडियो को आपने देखना है पूरा। तो सबसे पहले हम ले लेंगे लगभग आधा चम्मच शहद। शहद दोस्तों अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी का होना चाहिए। शहद को काफी समय तक अगर हम ऐसे ही रखे रहने देते हैं तो उसके नीचे ना शक्कर जम जाती है। तो ये है आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका कि भाई वो शहद जो है ना वो प्योर नहीं हो सकता। शहद जितना डार्क कलर का हो जाता है उतने ही उसके गुण ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर फ्रेश है तो उसको आप 4 गुना पानी मिक्स करके लगाएंगे। अगर शहद बहुत पुराना है तो कम से कम 10 गुना पानी या कोई और लिक्विड मिक्स करना है, डायरेक्ट अपने चेहरे पे आपने नहीं लगाना है। शहद की तासीर जो होती है बहुत गर्म होती है, कभी कभी कुछ लोगों को रैशेस भी आ जाते हैं, तो इस चीज का आपने रखना है ध्यान। तो उसके बाद ये शहद डाल लिया, इसके बाद हम दूसरी चीज क्या डालेंगे। अच्छा, अब आप ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है जैसे कि मेरी है, तब आपने इसमें मिलाना है कच्चा दूध। कच्चा दूध नहीं है परेशान ना होए, उबला हुआ दूध चलेगा, लेकिन फ्रिज में रख के थोड़ा ठंडा होना चाहिए, गरम गरम ना इसमें मिलाएं।
वो जो शहद की तासीर है ना उसको भी खराब कर देता है। ठीक है, जिन लोगों के कील मुहासे ज्यादा हैं, आपका प्रश्न ये पक्का आने वाला है कि हमारी तो स्किन पे ऑलरेडी कील मुहासे बहुत ज्यादा हैं, तो क्या वो शहद से ठीक होंगे? दोस्तों होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन आपको ना थोड़ा सा अपनी स्किन का टाइप पता कर लीजिए। अब पिंपल्स जो है मोस्टली ऑयली स्किन पे थोड़े ज्यादा आते हैं, अपेक्षा ड्राई स्किन पे भी आते हैं, लेकिन वो ऐसा कोई हीट बॉडी में निकल रहा, आपने एंटीबायोटिक लिया है या क्लाइमेट सडनली चेंज हुआ है या खाने पीने का कुछ चेंज हुआ तब आते हैं। लेकिन जिनकी स्किन ऑयली होती है देखा जाता है कि उनके पिंपल्स थोड़े ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो आपने जब हम क्लींजर बना रहे हैं उस दौरान आपने इसमें मिलाना है रोज वाटर, पानी मिला सकते हैं, या छाछ होती है ना लस्सी जिसको हम बोलते हैं, दही को पतला करते हैं ऐसे गुड़ुक मुड़ुक करके, उसके ऊपर जो पानी आ जाता है वो मिलाएं। ठीक है, जिन लोगों ने सिर्फ पानी मिलाना है उनके पास अगर विनेगर है तो एक ड्रॉप विनेगर क्लींजर में मिला लें। ठीक है, तो हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा दूध और हम करेंगे अपने चेहरे को क्लीन। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें दूध मिला लिया है, अब मैं अपने चेहरे को क्लीन करती हूं, लेकिन उससे पहले मुझे मेरा मेकअप पानी से उतारना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, और अपने चेहरे को आपने करना है अच्छे से, एक कॉटन ले लीजिए इस तरह से, और इस तरह से पूरे चेहरे पे आपने इसको लगाना है। और ये वाला जो फेशियल आपने करना है, आपने ध्यान देना है कि इसको मतलब जो पानी आप मिक्स कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन इस दौरान आपने पानी से क्लीन नहीं करना है, बाद में कब करना है वो मैं बताती हूं आपको। इस तरह से आपने इसको लगे रहने देना है और ये वाली कटोरी हम कर देंगे साइड में। अब हम लेंगे अपनी दूसरी कटोरी जिसमें हमने फिर से हनी लेना है लगभग आधा चम्मच इस तरह से। आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तब आप दूध का ही इस्तेमाल करें, आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप डाल सकते हैं दही इसमें। ठीक है, अब मैंने दूध ही मिलाना है इसमें क्योंकि मुझे मिलाना है मतलब स्क्रब बनाना है। मैं क्या करने वाली हूं, ये जो पैक हम बनाने वाले हैं इसको, ये और स्क्रब मेरा दोनों एक ही होने वाला है। मैंने हनी लिया है और साथ में डाला है दूध, उसका लगभग दो गुना दूध डाला है, और साथ में मैं इसमें मिलाऊंगी बहुत ही मजेदार चीज, मैं स्क्रब भी करने वाली हूं तो मैं इसमें मिलाने वाली हूं आधा चम्मच चावल का आटा, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा चावल का आटा आपने मिलाना है, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये हमारा मसाज भी होने वाली मतलब स्क्रब और पैक दोनों चीजें हो जाएंगी, तो आपने इस तरह से लगाना शुरू करना है। ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है आपको, आपने 1/4 स्पून शहद ले लो, एक चम्मच दूध ले लो और आधा सा चम्मच आप ये अपना चावल का आटा ले लो। लेकिन आप ध्यान रखें, ये मैंने मतलब आपको औसत बताया है कि किस मात्रा में किस अनुपात में आपको लेना है, मैंने थोड़ा ज्यादा ज्यादा लिया है तो आप भी ज्यादा कम बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा पैक और हमारा स्क्रब दोनों चीजें हमने एक ही में कर ली हैं, तो अब मैं आपको बता देती हूं चावल के फायदे। चावल का आटा हमने क्यों मिलाया है, आप जानते हैं चावल स्किन वाइटनिंग, स्किन लाइटनिंग, क्लियर स्किन, काले दाग हैं आपके चेहरे पे या समय से पहले आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं तो उसको ठीक करता है, रिपेयर करता है।
चावल के आटे का कॉम्बिनेशन हनी के साथ और एलोवेरा जेल के साथ सबसे अच्छा होता है। अगर ये तीन चीजें आपके चेहरे पे सूट करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। चावल के आटे को आप एलोवेरा जेल में मिक्स करके रोज सोप जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पे। आपको किसी भी तरह के फेस वॉश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप रोज यही लगाएं तो आपके चेहरा एकदम साफ हो जाएगा। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है उनको चावल का पानी जो होता है ना, पिच जिसको हम बोलते हैं, चावल के ऊपर से निकाल के फेंक देते हैं हम जिसको, वो पीना चाहिए। बहुत अच्छा होता है ये, ना मीठा लग रहा है शहद के साथ मिलके, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिठाई खा रही हूं मैं। उधर मुंह में चला गया। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है, ये मैंने बना लिया है। अब मैं क्लीन नहीं करना है आपने, इसको याद रखिए, ठीक है। अब जो मिश्रण हमने बनाया है ये वाला, इसमें थोड़ा सा तो बच जाता है, ठीक है। अब आपने क्रीम का फॉर्म देना है इसको। कैसे? इसमें आपने मिलाना है थोड़ा सा शहद, लगभग एक ड्रॉप फिर से, और आपने मिलाना है कोई भी ऑयल ले लो, आपको जो भी ऑयल सूट करता है। मैं बेबी सोप लगाना, बेबी ऑयल, बेबी शैम्पू, यही सब चीजें ज्यादा प्रेफर करती हूं, तो मैं यही लगाऊंगी। आपके पास कोई भी ऑयल है आप वो लगाएं और स्किन के टाइप के हिसाब से लगाएं, ठीक है। इसके बाद अगली चीज हम मिलाएंगे एलोवेरा। एलोवेरा अगेन आधा सा चम्मच मिलाना है आपने, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। फिर से इनको सबको मिक्स कर देंगे हम, और ये बहुत अच्छा है, फायदा इतना बेहतरीन फायदा देगा ना कि आप पक्का मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। अब आपने ध्यान दिया है कि मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, जो हमारा जो लेफ्ट ओवर क्लीन अपना स्क्रब और पैक था उसी के ऊपर मैंने लगाया है। आप सोच रहे होंगे कि जो पैक है वो तो बाद में लगाते हैं, पहले मसाज करते हैं, राइट, ऐसा होता है ना, पर ऐसा नहीं है। ये हमारे कॉम्बिनेशन बना रही हो कि किस चीज के बाद हमारी स्किन की लेयर, मतलब डेड स्किन निकल जाएगी, उसके बाद कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी चीज नहीं ऐड करनी, तो आप ये ध्यान रखें, ठीक है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन पे कील मुहासे बहुत ज्यादा हैं तो आपने क्या करना है। हाँ जी, ये हो गया। हमने क्या करना है, इसको करनी है मसाज। मसाज करने का तरीका मैं बता देती हूं आपको। यहां से शुरू करना है आपने, चिन वाली साइड को ऐसे, फिर ऊपर जाना है आपने यहां से इस तरह से, और ज्यादा समय तक करने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे स्टेप अगर आप 10-10 बार करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। इसके बाद अगला स्टेप आपका आएगा ये भी 10-10 बार करना है। उसके बाद आपने ये जो आंख का एरिया है, यहां आपने मसाज नहीं, आपने ऐसे ऐसे करना है, टैप फिंगर से इस तरह से करें, 10 सर्कल कर लें, बहुत है वो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद फोरहेड आ जाता है, 1, 2, 3, और यहां से घुमा के फिर से ऐसे, यही प्रक्रिया आपने 10 बार करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आपने करना है इसको अच्छे से पानी से क्लीन, और इसके बाद एक लेप लगाएंगे जिसको हम सीरम बोलते हैं, वो आपने पक्का लगाना है इसको, वो मैं बना के और लगा के दिखाती हूं, ठीक है। साफ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया चेहरा। अब इसके बाद क्या करना है आपने, आपने हाथ पे ऐसे एक ड्रॉप शहद की कीमत आप क्या जानो, इस तरह से एक ड्रॉप शहद पिलाना है। ये दशहरे का टाइम है, फटाके बज रहे हैं बाहर, 2 मिनट वेट कर लो। ये देखो जरा कौन से बॉम्ब लेके आ गए यार ये लोग। अब टाइम ऐसा है ना, आप ये आदत डालो, ये फटाकों की आवाज फट फट फुट फुट आने वाली है। तो इस तरह से एक ड्रॉप शहद लिया है हमने, 2 ड्रॉप लेना है आपने ऑयल, और इसमें मिलाएंगे हम एलोवेरा।
दो ड्रॉप एलोवेरा सबको इस तरह से कर लो मिक्स और अपने चेहरे पे ये वाला सीरम लगा के आपने छोड़ देना है 10-15 मिनट तक। घर के काम कर लो, नहीं तो आराम कर लो, नहीं तो मोबाइल पे कुछ कर लो, ठीक है, मर्जी है आपकी। इस तरह से, ठीक है। उसके बाद गुनगुने पानी से या नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धोएं। इसके बाद आप अपनी फेवरेट क्रीम या सीरम या कुछ भी नाइट क्रीम मॉइस्चराइजर जो भी लगाते हैं वो जरूर लगाएं। तो ये था फाइनल स्टेप हमारा फेशियल का। तो ये था छोटू सा फेशियल हमारा स्टेप बाय स्टेप। उम्मीद करती हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए फायदे की होगी। दोस्तों वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, को आपके जो भी प्रश्न है शहद से रिलेटेड, सब इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश की है कि इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको दे दूँ। तो इसी तरह आप अपना प्यार मुझ पर बरकरार रखिए और अपना बहुत सारा रखिए ध्यान। खुश रहिए और खुश रखिए, इसी तरह पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिविटी फैलाते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।